अगर आप ये जानना सीखना चाहते हो कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं, तो आप इन 7 साइकोलॉजिकल साइंस की मदद से आज से ही सीख सकते हैं, जिसमें से साइन नंबर 1 है प्रोक्सिमिटी। जब आप एक एनवायरनमेंट या किसी पर्टिकुलर जगह में किसी के साथ होते हो, तो उनके और आपके बीच का डिस्टेंस आपकी रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ बता देता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल ने 2 लोगों के कम्युनिकेशन बीच के इस स्पेस को 1960s में प्रोक्सिमेस का नाम दिया था, जहाँ उन्होंने 4 प्रोक्सिमेस जोन के बारे में बताया था। पहला होता है सोशल स्पेस, जहाँ लोग आपसे 3 मीटर यानी अराउंड 9 फीट की दूरी पे होते हैं, जिन्हें आप जनरली दूर से देखकर ही हेलो या हाई के देते हो। दूसरा होता है पर्सनल स्पेस, जहां लोग आपसे 4 फीट की दूरी पे होते हैं, जिन लोगों से आप हाथ मिलाते हो। तीसरा होता है इंटीमेट जोन, जहां लोग आपसे 18 इंच की दूरी पे होते हैं। ये लोग वो हैं जो आपके बहुत खास होते हैं, जैसे कि वो पर्सन जिसको आप में इंटरेस्टेड या अट्रैक्शन होता है, या जिनसे आप अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हो, वो होते हैं। जहां आप लोगों को हग करते हो, क्लोज चलते हो या इवन किस करते हो। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग हमें पसंद करते हैं, वो हमारे इंटीमेट जोन में आने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस करना, जब कोई आपके ज्यादा नजदीक आने लगे, आपको हग करने लगे, आपको टच करे, आपके करीब बैठना चाहे, किसी भी तरह वो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करना चाहे, तो समझ जाओ कि वो इंसान आपको पसंद करता है। साइन नंबर 2, द मेक एन एफर्ट टू फाइंड कन्वर्सेशन टॉपिक। जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें। उनसे कितनी भी बात कर लो कम ही लगती है, और हम चाहते हैं कि हमारी बात कभी खत्म ही ना हो, इसीलिए हम नए नए टॉपिक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक टॉपिक खत्म होता है तो हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। साइकोलॉजिकली ये एक अट्रैक्शन का सिग्नल और साइन है, क्योंकि जर्नल ऑफ नॉनवर्बल बिहेवियर में पब्लिश्ड हुई एक रिसर्च के मुताबिक, जब कोई आपको पसंद करता है, तो वो आपके साथ कन्वर्सेशन को खत्म ना होने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए वो पर्सन नए नए टॉपिक्स का सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाता रहता है। ये टेस्ट करने के लिए, आप जब भी किसी से बात करो, तो एक टॉपिक पर बात करने के बाद चुप हो जाओ और कन्वर्सेशन के बीच एक साइलेंस ले आओ। फिर देखो कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए कोई नया टॉपिक या कोई दूसरी बात स्टार्ट करता है या नहीं। साइन नंबर 3, यू विल सी द डुशेन स्माइल। अच्छा सोचो, अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास सिर्फ 90 सेकंड्स ही हैं, तो आप ऐसा क्या बोलोगे कि जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए। वेल, फैक्ट तो यह है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके बोलने से पहले ही एस्टेब्लिश हो जाता है। आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपके फेशियल एक्सपीरियंस के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सपीरियंस की बात करें, तो वो होता है स्माइल। सामने वाले पर्सन की स्माइल से ही आप जान सकते हैं कि वो आपको पसंद करता है या नहीं, क्योंकि एक स्माइल से ही किसी के मूड और इमोशन के बारे में पता लग जाता है। अब स्माइल वैसे तो कई टाइप की होती है, पर एक अनजान पर्सन की स्माइल और एक ऐसा पर्सन जो आपको पसंद करता है, इन दोनों की स्माइल में फर्क होता है। जनरली लोग जब किसी से मिलते हैं और फॉर्मेलिटी से स्माइल करते हैं, तो इनकी स्माइल नून डेशन कैटेगरी की होती है, जहां उनकी स्माइल सिर्फ उनके लिप्स को वाइड करती है, यानी वो लिप्स तक ही चौड़ी हो जाती है। वहीं जो लोग आपको रियल में पसंद करते हैं, वो सबसे नेचर स्माइल शो करते हैं, जिसे डुशेन स्माइल भी कहा जाता है, जहां सिर्फ स्माइल उनके लिप्स से ही नहीं बल्कि उनकी आंखों से भी दिखाई देती है। रोनाल्ड ए रेग्यू PhD एक आर्टिकल में लिखते हैं कि जब कोई आपसे अट्रैक्टेड फील करता है, तो वो आपसे आंखें मिलाते हुए धीरे धीरे स्माइल करना शुरू करता है और अपने स्माइल को होल्ड करके रखता है। जब स्माइल करते हुए उनके चीक्स यानी गालों के मसल भी स्टिच होने लगे और उनकी आंखों के पास रिंगल्स पड़ने लगे, तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद करते हैं। ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कोई आप में इंटरेस्टेड या अट्रैक्टेड है कि नहीं। साइन नंबर 4, दे आर नर्वस अराउंड यू। आपने मूवीज में अक्सर देखा होगा कि जब अपना हीरो उस लड़की से बात करने जाता है जिससे वो प्यार करता है, तो वो ऑटोमेटिकली लड़खड़ाने लगता है, उसका वॉइस का टोन एकदम से बदल जाता है, उसके बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। और यही सेम कई बार हीरोइन के साथ भी होता है, वो नर्वस हो जाती है या अलग बोलने लगती है। एवोल्यूशन ह्यूमन बिहेवियर में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक, जब मैन किसी ऐसी लड़की से बात करते हैं जिससे वो अट्रैक्टेड फील कर रहे होते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली अपने बोलने के पिच को लो कर लेते हैं, क्योंकि गहरी आवाज डोमिनेंस और अल्फा कॉन्फिडेंस को दिखाती है। इसलिए वो लेडी को इम्प्रेस करने के लिए धीरे धीरे और कम आवाज में बात करते हैं। इसी के साथ ही एडेप्टिव ह्यूमन बिहेवियर में पब्लिश्ड हुई 2020 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, एंजाइटी और अट्रैक्शन की फीलिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और यही रीजन है कि जब हम किसी से मिलते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, उसके सामने हम नर्वस हो जाते हैं, शर्माने लगते हैं या फिर हमारे पसीने छूटने लगते हैं। और शर्माना नर्वसनेस का सबसे कॉमन साइन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग, जब भी हमारा कोई इमोशन ट्रिगर अचानक एक्टिव होता है, तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है, और ये हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रैक करके हमारे फेस में ब्लड फ्लो करवाने लगता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली शर्माने लगते हैं या नर्वस हो जाते हैं, और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अगर कोई आपके सामने आते ही अलग टोन में बात करने लगे या शर्माने लगे या नर्वस लगे, तो समझ जाना कि उस पर्सन पे आपका एक अलग इन्फ्लुएंस पड़ा है। साइन नंबर 5, दे आर
कंटेम्पोरियोज अबाउट यू। आप अपने लाइफ टाइम में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, पर हर कोई आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता। सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर जो लोग आपको पसंद करने लगते हैं वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। जब भी आप किसी भी चीज या इंसान में इंटरेस्टेड होते हो तो आपका दिमाग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने में लग जाता है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ। अगर कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो सिर्फ सरफेस लेवल यानी नॉर्मल सी कन्वेंशन तक ही रहेंगे। एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का वो अपने एंड से कोई कोशिश नहीं करेंगे, ना ही वो आपसे कोई अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करेंगे और ना ही आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट शो करेंगे। वहीं अगर वो आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड दिखाने का अफर्ट करेंगे। अगर आप उन्हें कुछ बताओगे तो वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आपको और बोलने के लिए इंक्रीज करेंगे। वो अपनी भी पर्सनल स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे और एक इमोशनल बॉन्ड एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा लोग सिर्फ उन लोगों के साथ करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। इसीलिए नोटिस करो, जो लोग आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हैं, आप क्या करते हो, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आप वीकेंड्स पे क्या करते हो वगैरह वगैरह, तो समझ जाओ कि वो आप में ज्यादा इंटरेस्टेड है। साइन नंबर 6, दे कॉम्प्लीमेंट यू मोर। जब हमें कोई पसंद आ जाता है तो हम उसे डायरेक्टली तो नहीं कह पाते कि हम उसे लाइक करते हैं, लेकिन हम उनकी कई सारी बातों को लाइक करते हैं ये जरूर डायरेक्टली कह देते हैं। जब कोई आपको पसंद करता है तो उसे आपके नॉर्मल पहने कपड़े भी बहुत पसंद आने लगते हैं, आपकी बातें उसे फनी लगने लगती हैं, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी कुछ आदतें या आपका काम। जनरली जब लोग आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने थे, हो सकता है आपको पहले कभी अपना हेयर स्टाइल इतना पसंद नहीं आया, लेकिन आज एक पर्सन आपके बालों की या छोटी छोटी चीजों की तारीफ कर रहा है तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ केंसिस की एक रिसर्च के हिसाब से जब कोई आपको पसंद करता है तो वो सिर्फ आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स ही नहीं देता, बल्कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट देने के और भी तरीके ढूंढता है, और वो कभी भी आप में कोई कमी नहीं गिनवाता। उसको आपकी कोई बात गलत भी लगती है तो वो उस बात को इस तरीके से सामने रखता है जिससे आपको बुरा फील ना हो, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है अट्रैक्शन का। साइन नंबर 7, व्हेन समवन लाइक यू दे ऑलवेज द टाइम टू सी यू। दोस्तों, इन सभी साइंस को शो करने के बाद भी अगर कोई आपको अपना टाइम नहीं दे रहा है तो समझ जाओ कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है और वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। जब लोग कहते हैं ना, सॉरी मैं बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं, आजकल बहुत काम है वगैरह वगैरह, तो उनकी बातों का बिलीव करो, वो असल में अपने दूसरे इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं जो आपसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और हम सभी उसी चीज या पर्सन की वैल्यू करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए हम कभी भी बिजी नहीं हो सकते, हम जैसे तैसे टाइम निकाल ही रहते हैं। इसीलिए जो पर्सन आपको पसंद करता है, जिसके लिए आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो बिजी भी हैं तो वो अपना काम खत्म करने के बाद वो खुद से एफर्ट डाल के आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप किसी से मिलने या बात करने को कहो और वहाँ से रिप्लाई आए कि वो किसी रीजन की वजह से बिजी हैं, तो वेट करो और देखो कि वो आपके लिए टाइम निकालते भी हैं या नहीं। अगर हाँ तो समझ जाओ कि वो आपसे अट्रैक्टेड हैं और आप इनके लिए एक खास इम्पोर्टेंट इंसान हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसी गजब वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।